और कोई सही नहीं बता सकते। हाँ आप बता सकते, आप तो दो कारण आपको सही बता सकते। श्री सुखवास के बीच में राधा रानी का नाम है लेकिन वो लुप्त है, उसके लिए मतलब उजागर नहीं किया गया है, बोला नहीं गया है। बाकी है बीच में, आपने बताया था संस्कृत से वो करके, वो तो मुझे याद नहीं है इतना। बाकी राधा नाम बीच में है और कई जगह पर बोला गया है। आज आप बताने वाले हैं पहले श्लोक में राधा नाम कहाँ पर है। ठीक है, फिर आज मैं दो बार बोलता हूँ, फिर कल आपसे सुना। ठीक जी जी। राधा जी का नाम भागवत में क्यों नहीं दी गई है? मैं करीब करीब पाँच इसका मिनी बताया था, राधा जी का नाम क्यों नहीं। आज याद कर लेना, जो पांच कारण बता रहे हैं ना उसको मैं एक बढ़िया से भी बोला, बढ़िया से बोलूँगा। जो पांच कारण बता देगा राधा जी का नाम क्यों नहीं है। ठीक है, पहला कारण था श्री सुखदेव गोस्वामी को सात दिन में ये भागवत पूरी करना था, लेकिन श्री श्रीधर स्वामी ये बात वो कहे थे। भागवत का सबसे पहला टीकाकार श्रीधर स्वामी, वो बहुत बड़े वैष्णव थे। भागवत का सबसे पहले जितने टीका लिख गई है, ये सबसे पहला जो टीका लिखे है इनका नाम श्रीधर स्वामी। वो श्रीधर स्वामी कहते हैं, राधा नाम उच्चारण मात्र नाम सड़ मासी मूर्छा भगत। जब श्री सुखदेव गोस्वामी एक बार से राधा जी का नाम लेते थे, वो छः महीना के लिए बेहोश हो जाते थे। अभी उन्होंने देखा सात दिन में पूरी कथा सुनानी है, अगर छः महीना में बेहोश हो गया तो फिर सात दिन में पूरी कैसे कथा हो। ये एक पहला कारण। दूसरा कारण बताया, अगर हम बोल दिया मोदी वृंदावन में आ रहा है, नाम किसका है? मोदी। क्या वो अकेला आएगा? उसको साथ में सारे सैन्य सामंत बॉडीगार्ड सबके सब उसको साथ में आते हैं। वो अकेला बुद्धि आएगा? बुद्धि अकेला कभी नहीं आएगा, क्योंकि लेकिन नाम किसका होता है, कौन आया है? मोदी आ रहा है, लेकिन उसको साथ साथ में उसका समस्त परिकर भी आते हैं। उसी तरह यहाँ पर बताए कृष्ण आए, बोलो वृंदावन से कृष्ण आए। क्या अकेला कृष्ण आएंगे? अकेले कृष्ण नहीं आएंगे। इसलिए जब कृष्ण ने राधा रानी से पूछे, बोले हे राधे तुम मेरे साथ में चलोगे? बोले कहाँ चलोगे प्रभु? बोले ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूँ। राधा रानी मुंबई नहीं जाती। बोले क्यों नहीं जाती हो? बोले जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन ने, जहाँ पर नंदगांव बरसना ने, जहाँ पर यमुना पटरानी, जहाँ पर निकुंजवन ध्रुवन ने, मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा? तब कृष्ण बोले देखो राधे मैं अकेला थोड़ी चलूंगा, ये जो संपूर्ण गोलोक वृंदावन तुम देख रहे हो, जब मैं जाऊंगा ये संपूर्ण गोलोक वृंदावन तुम्हें उतार दूंगा। मेरे साथ में मेरे ग्वाल बाल भी जाएंगे, दाम वसुदाम श्रीदाम मधुमंगल, मेरे पिता माता नंद जसुदा भी चले। अब तू थोड़ी अकेले चलोगी, तेरे साथ में तेरे सखी अष्ट सखिया ललिता विशाखा चंपकलता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा ये सखियाँ भी चलेंगी, तुम्हारी मंजरिया भी चलेगी, तेरे पिता माता विश्वभर महाराज कीर्ति का मैया भी चलेगी, पूरा के पूरा गोलोक वृंदावन में उतार दूंगा। तब राधा रानी भी ठीक नहीं चले। इसलिए नाम क्या होता है? कृष्ण आए, लेकिन कृष्ण जब आते हो अकेले कृष्ण नहीं आते हैं, क्योंकि जो शक्ति शक्ति मत और अभे शक्ति शक्ति मत और अभे जो शक्ति है, इसलिए एक समय बताए ना सुख सारी में सुख और मैना में लड़ाई हो गई। सुख ने कहा मेरे कृष्ण ने गिरिराज उठाया था, मैना के चुप रहो गिरिराज कृष्ण उठाया था। बोले कौन उठाया? बोले बताओ तो उन्होंने उठाया तो उन्होंने कौन सा हाथ में उठाया? तो बोले बाम हाथ। बोले कौन सा उंगली उठाया? बोले बाम उंगली। बोले उठाया कैसे? बोले शक्ति से। हम कोई काम शक्ति में करते हैं ना, बोले कृष्ण का शक्ति कौन है? बोले कृष्ण का शक्ति कौन है? गिरिराज उठाया किसने? राधा रानी। इसलिए हिंदी में कहा होता ना, कछ माफ न को बल बढ़ो, कछ गोपन करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिराज उठाया। बोले श्री राधा रानी की जय। जोर से बोलो राधा रानी की जय। इसलिए जब बोलते हैं कृष्णा अकेले आए, कृष्ण कभी अकेले नहीं आते हैं, वो अपना शक्ति अपना समस्त सखी सहेली
और समस्त सखा सखियों को लेकर के आते हैं। इसलिए कृष्णा अकेले नहीं आए, सब भक्तों को लेकर के आए। बोले ये दूसरा कारण है, कृष्णा आए तो अकेले नहीं, राधा जी को लेकर के आए। बोले तीसरा कारण क्या है, कल मैंने बताया था जब श्री सुखदेव गोस्वामी जब भागवत को प्रारंभ करने जा रहे थे, इतने में उन्होंने राधा रानी से प्रश्न की, बोले हे राधे आपका नाम को ये श्रीमद भागवत ग्रंथ में किस रूप में दूं कि राधा रानी की ही आदेश थी। ए बात मत करो बच्चों, इसलिए राधा रानी की ही आदेश थी। क्या आदेश थी, बोले मेरे नाम को लो लेकिन स्पष्ट रूप में कहीं मेरे नाम को नहीं लेना, लेना तो मेरे नाम को छुपा कर, मेरे नाम को तुम छुपा करके मेरे नाम को लो। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी राधा जी का नाम तो लिए हैं लेकिन उन्हें छुपा करके लिए। बोले कारण क्या है, कल मैंने बताया था ना, जैसे आपको पास में कर हीरे जवाहरात हो दुनिया को थोड़ी दिखाओ, यहाँ तो भी पति भी पत्नी भी बोलेंगे नहीं मेरे पास में कितने माल है, ट्रेजरी में कितने हीरे जवाहरात रखा हुआ है, दुनिया को थोड़ी बोलोगे, नहीं बोलोगे, उसको छुपा कर रखोगे। इसलिए कहते श्री सुखदेव कृष्ण की जो हृदय का जो संपत्ति है वो कौन है, बोले ये श्रीमती राधा रानी। बोले आत्मा तो राधिका एव, कृष्ण की आत्मा कौन है, बोले श्री राधा रानी, कृष्ण की आत्मा राधा रानी। इसलिए कहते राधा की चरण की इतने दुर्लभता, श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जिनकी चरण बोले ब्रह्मी स्वराज सुगुरु अवदार, बोले जिनकी चरण ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है। कल सुन रहे थे ना, स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत रूप में बरसाना में रूप में प्रकट हुई राधा रानी की चरण की सेवा के लिए, शंकर जी स्वयं गोपीश्वर महादेव गोपीश्वर पूजा करते ना, इसलिए शंकर जी गोपी बने राधा जी कृपा पाने के लिए, क्योंकि राधा रानी के बगैर रास में कोई प्रवेश नहीं है। उद्धव जैसे व्यक्ति कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त उद्धव जैसे व्यक्ति भी जहाँ पर गुरु में लता बनने के लिए प्रार्थना करते हैं, नारद जैसे व्यक्ति गोवर्धन में जाओगे वह नारद ये कुंड है, हजार साल तक नारद जी वहीं पर तपस्या की गिरिराज को आश्रय करते हुए राधा जी की चरण पहुंचे हैं। इसलिए कहते हैं अगर जो गुप्त संपत्ति जैसे हम सबको नहीं बोलते हैं, उसको छुपा कर रखते हैं, इसलिए कृष्ण की जो हृदय की जो गुप्त संपत्ति है ना वो श्रीमती राधा रानी है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी को राधा जी के निर्देश है मेरे नाम को लेना लेकिन मेरे नाम को स्पष्ट रूप में नहीं लेना। उदाहरण देते हैं, अब देखना कोई चीज अगर छुपा करके बोलना उसका बड़ा आनंद है। जब राम लक्ष्मण सीता वनवास गए थे, रामायण देखे होंगे, जब उन्होंने पानी पीने के लिए जब एक कुएं में गए, कुछ वहां पर महिलाएं पानी भर रही थी, इतने में देखा सीता अकेले, लेकिन राम लक्ष्मण दो पुरुष है। कोई एक माता जी पूछती है ये दोनों तुम्हारे क्या लगते हैं, तब सीता कहती है ये जो है ना लक्ष्मण ये मेरे देवर है, ये कौन है मेरे देवर है, और इसके इनके जो बड़े भाई ना ये इनके बड़े भाई। लेकिन उन्होंने सीता जी ने राम का नाम नहीं लिया, राम का नाम लिया उन्होंने पति रूप में लिया, लेकिन इसमें शोभा ज्यादा है। इसलिए किसी चीज को देखना कोई स्त्री काली कवटी भले ही हो देखने में बद सुंदर हो, अगर घूंघट खींच अगर चलते हैं ना सुनिया देखने के लिए चाहे कैसे कैसे कैसे, लेकिन जितनी सुंदरी से सुंदरी हो अगर घूंघट उतार कर चलते हैं ना तो तेरे जैसे कितना चल रही है, उसको तरफ में कोई नहीं देखते हैं। इसलिए जब कोई चीज को छुपा के हम रखते हैं गुप्त रूप में इसकी महत्व हो जाता है। इसलिए राधा रानी के निर्देश थी मेरे नाम को लेना है लेकिन मेरे नाम को स्पष्ट रूप में नहीं लेना, लेना मेरे नाम को छुपा करके लेना। कितना कारण है, तीन कारण हो गया, चौदह कारण बताओ कल क्या बताया करें, सब भूल गए हो। जैसे उदाहरण दिया जैसे मेहंदी पत्ता, उदाहरण दिया था ना, अब बताओ मेहंदी पत्ता देखने में कैसे है, हरा, लेकिन वो हरा क्या वास्तव रूप में हरा है, नहीं, क्या है लाल, लेकिन ऊपर से क्या दिखती है हरा, लेकिन फिर क्या उसको पीसो तभी वो हरा हरा ही दिखेगा, लेकिन जब हाथ में लगा दोगे ना जब सूख जाएगी कौन सा रंग हो जाता है लाल। मेहंदी जब ऐसे लाल हो जाती महीना तक भी वो लाल लाली में महीना तक भी नहीं छूटती है। इसलिए ये कहते हैं
जो राधा जी की जो भक्ति है, ऊपर देखते हैं कृष्ण 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 है, लेकिन अंदर में झांक करके देखते ना भागवत में राधा रानी के सिवाय कुछ है ही नहीं। इसलिए भागवत ग्रंथ राधा पर गुरु जी कहते थे, साधारण लोग तो कहेंगे इसमें जिसकी कृष्ण की महिमा, लेकिन हमारे महाप्रभु के भक्त लोग नहीं, जिसमें राधा जी की महिमा जिसमें है। पहले ना श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् मतलब, श्री मतलब क्या हो गया, राधा रानी, मद मतलब प्रेम, कहती है भागवत नहीं, कहती है राधा रानी की प्रेम ही, ये भागवत राधा जी की प्रेम नहीं, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसलिए ये चार कारण हो गए, पंचवा कारण कुछ भी याद है बोलो। इसलिए राधा जी की भक्ति को उदाहरण दिया कुएं का पानी, और कृष्ण भक्ति को क्या उदाहरण दिया, नदी का पानी। जैसे हाँ, इसलिए कहते हैं जैसे नदी का पानी, नदी का पानी सब पी सकते हैं ना, सब, एक जानवर भी पी सकता है, इंसान भी, चिड़िया सब के सब पी सकते हैं, लेकिन जो कुएं का पानी है सब नहीं पी सकते। कुएं का पानी कौन पी सकता है, जिसको पास में रस्सी और कोई बाल्टी हो, कोई पात्र हो ना, देखना कोई व्यक्ति ही ये कुएं का पानी वही पी सकता। बोले मतलब क्या है, बोले मतलब है कृष्ण भक्ति सब कर सकते हैं, जैसे बहता हुआ नदी का पानी सब पी सकते हैं, लेकिन कभी कभी देखना नदी में गया भी नहा रहे हैं, कपड़ा भी धो रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, सब चीज बहते हुए जा रहे हैं, लेकिन देखना जो कुएं का पानी है ठंडा है, एकदम निर्मल है। इसलिए कहते कृष्ण भक्ति का सब कर सकते हैं, लेकिन जो राधा रानी की जो भक्ति है ना, ये दुर्लभ भक्ति है। राधा जी की भक्ति साधारण भक्ति नहीं, राधा जी की भक्ति गोस्वामी कहते हैं सुदूरह पदारविंदम ब्रह्मेश्वरादि, जिनकी चरण को ब्रह्मा शंकर नारद भी पूजा करते हैं, यहाँ तक भी जिनकी चरण कृष्ण के लिए दुर्लभ है। किसके लिए दुर्लभ है, ये बाकी बिहारी के लिए भी कृष्ण का, साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दो, दूसरे के लिए तो दुर्लभ है ही है, लेकिन कभी कभी बाकी बिहारी के लिए भी राधा के लिए दुर्लभ है। इसलिए अगर राधा रानी कहीं मान कर लेती है ना, कृष्ण को पता नहीं क्या क्या रूप धारण करना पड़ता है राधा जी को मान को मनाने के लिए। कृष्ण कहते हैं राधे तू जब मान करती हो, तू जब मान करती हो मेरे को गिरिराज उठाने में इतना ताकत नहीं लगा, अघासुर बकासुर को मारने के लिए इतने ताकत मेरे को लगाने नहीं पड़ा, चुटकी बजाए तो राम नाम सत्य कर दिया है, इतने बड़े 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 चीज को करने के लिए इतना परिश्रम नहीं लगता है, लेकिन तू जब मान करती है ना, पता नहीं मेरे को इतने कष्ट होता है तेरे मान को उतारने के लिए। लास्ट में तो कृष्ण कहते स्मर गरल खंडनम मम शिरस मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, कृष्ण स्वयं अपना सर को राधा जी के चरण में झुका देते हैं। इसलिए यहाँ पर सेवापति, सेवापति है ना, सेवापति नाम क्यों पड़ा, जहाँ पर स्वयं परम ब्रह्म परापर तत्व विश्व ब्रह्मांड जम ब्रह्म बलवेन्द्र रुद्र मरुत दिव्यति सुनई वेदई सांग क्रमोपनिषद गायब जत सामगा, जिनके ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा शंकर जी करते थे इस कृष्ण को, कहते हैं ये क्या करते हैं, कहते मैंने वो कृष्ण को मैंने सब जगह में ढूंढे लेकिन वो कृष्ण नहीं मिले, लेकिन मिले वृंदावन में। बोले कहाँ पर मिले, बोले सेवा कुंज में। बोले क्या करते हैं मिले, बोले बैठ पैल रात का पायल, वो परम ब्रह्म को हमने दर्शन किया राधा जी की चरण की सेवा करते हुए उनको देखा, कौन विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, जो मालिक है। इसलिए कहते भैया राधा जी की भक्ति आसानी भक्ति नहीं, कहते रसी और पात्र चाहिए, कहते रसी पात्र मतलब क्या है, रसी पात्र मतलब क्या है, बोले मतलब है जब तक कि ऐसे संप्रदाय में हम नहीं जुड़े जिस संप्रदाय में से राधा रानी की आराधना हो, राधा रानी की आराधना हो। अभी जिसको पास में राधा जी की भक्ति वही तो राधा जी की भक्ति देगा ना, अगर जिसको पास में है नहीं वो देगा कहाँ से, वो दे नहीं सकता है। इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्मात्म गौरीय संप्रदाय, क्या नाम है ये गौरी, गौरी मतलब क्या राधा रानी गौरी, राधा रानी गौरी, गौरी से गौरी है बात, श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु कृष्ण ही कलयुग में राधा जी के भाव और अंग का लेकर के श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आए हैं। देखना जितने सारे अवतार देखो सब काले हैं, कोई गोरे नहीं है, लेकिन एक ही गौरांग महाप्रभु गोरे, बोले क्यों,
उन्होंने राधा रानी से दो चीज उधार लिया, एक उनकी भाव और उनका एक अंगठा। ये दो चीज उन्होंने उधार लेकर के आए, जिनके तो अंतर कृष्ण, अंदर में तो कृष्ण है लेकिन बाहर में क्या देख रहे हो, गौरा। इसलिए इनका नाम है गौरव हरि। गौरहरि मतलब क्या, गौर मतलब राधा, हरि मतलब हरि कृष्ण, ये दोनों मिलकर श्री सचिनंदन गौर हरि। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए कहते भागवत में राधा जी का नाम इस सब कार्य से नहीं दिए, हम ये सुनेगा और थोड़ी सुन बैठ जाए। भागवत में राधा जी का नाम है तो कहाँ कहाँ पर, कहाँ कहाँ पर राधा जी का नाम श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहाँ कहाँ पर राधा जी का नाम उन्होंने ग्रहण किया है। कहते भागवत का जो पहला श्लोक है याद है तुम लोगों को, किसको याद है, याद है कहते ये जो श्लोक है इसको जो वल्लभाचार्य नाम सुने, सुने वल्लभाचार्य, ये एक विष्णु स्वामी संप्रदाय के महूर मुर्धन विद्वान हुए वल्लभाचार्य। इन्होंने भागवत के ऊपर टीका लिखे है, इनका टीका नाम सुबोधनी, क्या नाम है सुबोधनी, लेकिन नाम तो उन्होंने सुबोधनी दिया है लेकिन वो दुर्बोधनी है, लेकिन नाम क्या दिया सुबोधनी, आसानी से जिसको समझ जाए लेकिन बड़ा कठिन है। इसलिए उन्होंने जो प्रथम श्लोक को उन्होंने व्याख्या की, उन्होंने कृष्ण जो भागवत जो प्रथम श्लोक को उन्होंने कृष्ण करके उन्होंने व्याख्या किया, जैसे सत्यम परम धीमहि, क्या तो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं, वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। इसी विषय पर बड़ी लड़ाई हुई, क्या लड़ाई है, अभी जो शंकर जी को उपासना करते क्योंकि ये जो श्लोक में तुम लोग पढ़े होंगे उसमें कोई विशेष शब्द नहीं, इसमें सब विशेषण है, समझे रहे इतने विशेष विशेषण, इसमें केवल गुण है, उसमें इसका नाम उसमें नहीं दी गई है, केवल उसमें गुण गुण बताए गए हैं, सृष्टि का जो सृष्टि प्रलय करने वाले अन्य व्यतिरेक रूप में जो सृष्टि स्थिति को प्रलय करते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय जिनने दिव्य ज्ञान को जो पूर्ण किया है, हैं तब कभी पानी में स्थल स्थल में जल भ्रम होता है, इसलिए जिनकी विद्युत जिनकी समझना बड़ा कठिन, जिनको समझना दिखता है जैसे माई लेकिन वो अतीत है, ऐसे परम सत्य भगवान को हम ऐसे परम सत्य को हम ध्यान करते हैं, इसका नाम। इसलिए इसमें 108 टीकाएं हैं। अभी जो जिस जिस देवता को पूजा करता है ना उसमें उसमें ही लगा दिया, जो शंकर जी को पूजा करते हैं कभी सत्यम परम धर्म बोले ना, जो माता देवी को उपासना करते हैं कभी उनसे ब्रह्मा कृष्ण सृष्टि हुए, जो ब्रह्मा जी से वंदना करते हैं तो ब्रह्मा जी तो जगत को सृष्टि करने वाला तो वही है, जो हनुमान जी को पूजा करते हैं जो बजरंग बली दुनिया चलना श्री राम का बिना राम चलना मानो मान के बिना वही सब। अब इसी विषय पर है ना बड़े 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 तर्क भी करते हैं, लेकिन जो मध्वाचार्य जो हुए हैं बहुत बड़े संत हुए हैं, इतने बड़े विद्वान बने, बहुत बड़े जिनको 108 सोने की कलसी में जिनकी अभिषेक की गई है, इतने बड़े विद्वान बने ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के, लेकिन वो कहते हैं ये श्लोक और किसी के लिए नहीं, ये केवल ये राधा श्याम सुंदर के लिए, किसके लिए है, केवल ये राधा श्याम सुंदर के लिए। आप बोलोगे क्यों, आप कैसे कृष्ण में लगा दिया ये श्लोक, लगा दिया कैसे आपने कृष्ण में कैसे लगाया, बोले उसमें जो लिखा हुआ सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य को ध्यान करते हैं, इसलिए कृष्ण जब देवकी गर्भ में आए देखना उसमें 33 करोड़ देवता एक साथ में, ब्रह्मा शंकर नारद ये जितने 33 करोड़ देवता गर्भस्तुति करते हैं। गर्भस्तुति का जो पहला श्लोक है किसको पता है, गर्भस्तुति श्लोक क्या किसको पता है, बोला सत्यव्रतम हाँ ये बच्चा अच्छा याद किया है, इसलिए ये पहला श्लोक है सत्य व्रतम सत्य परम सत्य सत्य सोहितम च सत्य 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 मृत सत्य नेत्रे सत्यात्म शरण प्रपद है। इस 33 करोड़ देवता एक साथ में गर्भस्तुति कर रहे हैं, इसलिए ये परम सत्य किसको कह रहे हैं, सत्य व्रतम जिनका भक्ति सत्य है, जिनके भक्त सत्य, जिनका धाम सत्य, जो त्वय स्वयं त्रिकाल सत्य 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 कौन है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र। इसलिए जो सत्यम परम धीमहि बताया तब ये परम सत्य कौन हुए हैं, ये भगवान कृष्ण हुए, क्योंकि ये जन्मादस्य जत जिनसे
जिनके आदेश पर ब्रह्मा जी जगत को सृष्टि करते हैं, शंकर जी जगत को ध्वंस करते हैं और विष्णु जगत को पालना करते हैं। इसलिए उन्होंने पूरा श्लोक उन्होंने पूरा कृष्ण में पूरा पूरा लगाया, बड़े सुंदर अर्थों में दिया है, हैं? लेकिन एक बहुत बड़े संत हुए, शायद आप सुने कि नहीं, उनका नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, सुने कहते जिनके भागवत ग्रंथ में है जिनका टीका है। मुझे लगता है अभी तक पृथ्वी में जितने टीका तुम पढ़ लो, जितनी अगर किसी सर्वश्रेष्ठ टीका अगर किसको है ना, ये विश्वनाथ को ठाकुर भाई कहते इनको रूपो गोस्वामी, रूपो गोस्वामी जय देते जय रूप सनातन श्री, कहते हैं कि रूपो गोस्वामी का दूसरा अवतार ही है, रूपो गोस्वामी के दूसरा अवतार है इनको, इन्होंने जो भागवत पर टीका उन्होंने जो लिखे हैं, क्या सुंदर उन्होंने टीका लिखा, दो टीका जो गोपी गीत का जो श्लोक उन्होंने वर्णना किया एक अन्य व्यतिरिक्त रूप में, एक स्तुति परक और एक ताना नाट्य के दो 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 मीनिंग वहाँ पर बताए, जन्मादश श्लोकों को उन्होंने राधा पर जो व्याख्या किया अद्भुत रूप में, उन्होंने राधा पर उन्होंने ये श्लोक को उन्होंने व्याख्या किया है कि जो सत्यम परम दिव्य मतलब है कि जो परम जो शब्द है कदि देवी कृष्णमय प्रोक्ता राधिका परादेवता है, जो परम शब्द है कदि श्री राधा नाम के लिए लिया गया, क्योंकि राधा जी के बगैर कृष्ण आधा है। इसलिए वृंदावन में आओ देखना कोई कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, यहाँ पर किसका नाम लेते हैं, जोर से बोलो और जोर से बोलो, सब के सबसे राधा रानी का नाम लेते दुनिया, हाँ, क्योंकि राधे राधे लौटकर चले आएंगे बिहार। इसलिए राधा के बगैर कहते जाति राधा सापि कृष्ण जा राधा कृष्ण एव स एक ज्योतिर्दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम, कहते जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा, एक ज्योतिर्दिधा भिन्न, मानो उदाहरण दिया जैसे दिया देखा है ना, दिया दिया में जैसे एक जगह में तेल है लेकिन दो तरफ में देखना दो दिया रहती है लेकिन तेल एक ही है, जैसे एक जड़ है जैसे कमल का फूल लेकिन एक जड़ से जैसे दो कमल फूल निकले हुए, लेकिन जड़ एक ही है एक जड़ से दो कमल फूल निकले हुए, वो कौन है कमल फूल निकले हुए, एक राधा रानी और एक श्री कृष्ण श्याम सुंदर है, ये श्याम सुंदर है। इसलिए उन्होंने ये श्लोक बड़ा सुंदर रूप में राधा पर उन्होंने व्याख्या किया, पता नहीं बच्चे लोग को समझ नहीं पाएंगे, इसमें जो संस्कृत से जो विद्वता उसमें दिया है जन्मादस्य जतः, जिससे जन्म हुई आदि रस की आद्य रस श्रृंगार रस, वो बड़े संस्कृत विचारा अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे तो कभी समझ पाओ उन्होंने जो व्याख्या किया है अन्य व्यतिरेक रूप में कैसे ये श्रृंगार रस कैसे प्रकट होता है, शायद तुम लोग समझ नहीं पाओगे, जो थोड़ी सी ज्यादा थोड़ा संस्कृत ज्ञान है ना वही ये चीज को समझ पाए। इसलिए पहला श्लोक में कल ये बच्चे हमारे बोलेंगे तुम लोगों को, ये पहला श्लोक में किसकी वंदना की है, श्री राधा कृष्ण को वंदना की, केवल कृष्ण को उन्होंने वंदना नहीं किया है, इसलिए शास्त्र में कहते हैं अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा जुगल भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बोले अकेला माधव पूजे सो अज्ञानी, कहते जो अकेले कृष्ण को पूजा करते हैं वो अज्ञानी है, कहते राधिका दासी यदि है अगर मानो कृष्ण का मिलेंगे, बोले उनको जल्दी से जल्दी कृष्ण मिलेंगे अगर किसके मन में ये अभिमान हो जाए हम श्री ईश्वर जी के दासी है, बोले शीघ्र मिले तभी गोप लोग कृष्ण उसको बहुत जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। इसलिए वृंदावन में कोई एक रसी भी संत थे उन्होंने एक बड़े सुंदर दोहा लिखे थे, वो दोहा का मतलब है मैं तो श्याम रंग में रंगी, मतलब कृष्ण रंग में मैंने रंग दिया, वो सचमुच से दोहा बहुत ही बढ़िया दोहा था। अभी वृंदावन में बड़े बड़े संतों के पास में सुन सुन कर बड़े खुश हुए, क्या सुंदर था, लेकिन जब श्री जीव गोस्वामी के पास में पहुंचे, नाम सुने ना जीव गोस्वामी का, बहुत बड़े विद्वान थे हमारे संप्रदाय में, इतने बड़े विद्वान थे उनमें कोई नहीं थे जिन्होंने हरिनाम ऋतु व्याकरण लिखे, सुने कि नहीं हरिनाम ऋतु व्याकरण, जिसमें मुझे आई वोट रिलीफ आई और हाई वर्ड बोलते हो ना उसमें इसमें नाम नहीं दिया है, उसमें हरि बहना हुआ हरि खड़गा हरि गोपाला हरि सब भगवान का नाम दे देकर उन्होंने व्याकरण बनाया, जिसमें व्याकरण भी पढ़ना हो जाएगा जिसके साथ में संस्कृत ज्ञान भी अपने आप हो जाएगा, क्या उन्होंने सुंदर तत्व लिखा हरिनाम तत्व व्याकरण में लिखे हैं। इसलिए जब इनके पास में ये पद पहुंचा तब उन्होंने एक श्लोक लिखे,
एक श्लोक लिखकर उसके पास भेज दिया, देखो कितना बढ़िया श्लोक है। वो क्या कहते हैं, बोले अनाराध्य राधा पदा भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत् अटविम असंभास तत् भाव गंभीर चिता उतः श्याम सिंधु रस स्यात्। बस इसको याद कर लेना, ठीक है। इसलिए इस श्लोक को सारी दुनिया में मिलेगा, ये बढ़िया बढ़िया श्लोक है, सब याद कर लेना। इसलिए इसमें कहते हैं, तुम कहते हो मैं कृष्ण रंग में रह गया, भैया इतना आसान नहीं। कृष्ण रंग में रहना, कृष्ण भक्ति रस में सराबर होना इतने आसानी मत समझो। कहते हाँ, कृष्ण रंग में अगर तुम रहना चाहते हो, पहले तीन चीज तुमको अपनाना पड़ेगा, तब भी तुम्हें कृष्ण भक्ति मिलने वाले। कृष्ण कृष्ण जिस तीन जगह से टेढ़े है ना कृष्ण, उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी की है, इनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी की है, इस राज मिलने वाले नहीं। फिर भी जो टेढ़े टाँगे वाले हैं ना, हाँ, इनको तुम वशीभूत कर सकते हो अगर जीवन में तीन चीज को अगर तुमने अपना लिया तो। बोले तीन चीज क्या है, बोले अनाराध्य राधा पदा भोज रेणु। जब तक कि राधा रानी की चरण पर रेणु में तुम स्नान नहीं करते हो। बोले दूसरा चीज क्या है, बोले राधा रानी की चरण के द्वारा अंकित जो वृंदावन धाम है, तुम लोग जिस वृंदावन धाम में रहते हो बड़े भाग्य से रह रहे हो, ये मत समझो ऐसे हम रह रहे केला बोल रहे बड़े गया है। क्या वृंदावन धाम में संस्कृत में पढ़ रहे हो, कहाँ रह रहे पढ़ रहे हो, वृंदावन धाम में पढ़ रहे हो, इतना आसान मत समझो वृंदावन धाम को है। शंकर भी स्वयं दरबार में क्या काम कर रहे हैं, बैल बन जब कभी जाओगे लक्ष्मी भी वहीं बैठी हुई, अभी उठी नहीं घुस भाई। उद्धव जैसे व्यक्ति जहाँ के चरण धूल बनना चाहते हैं, घास भूसा बनना चाहते हैं, ये सी वृंदावन धाम है। इसलिए कहते जो वृंदावन धाम क्या है, बोले राधा रानी की चरण के द्वारा ये अंकित श्री वृंदावन धाम है। जब तक ये वृंदावन धाम को कोई आश्रय ग्रहण नहीं करता, और सबसे जो श्रेष्ठ वस्तु है राधा जी की प्रेम रस में जो सराबर हुई जो संत है, जो राधा रानी की भक्ति में जो डूबे हुए हैं, बल ऐसे भक्तों का जब तक संग नहीं करोगे ना, बोले कुतः श्याम सिंधु रस श्याम लाओ, वो कहाँ कृष्ण प्रेम तुमको मिल सकता है, इतना आसानी नहीं, कृष्ण सहज में आने वाले नहीं। इसलिए राधा जी कृपा होगी ना तभी आगे कृष्ण भक्ति मिलने वाले, नहीं तो कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं आएंगे। इसलिए कहते राधे राधे रटो चले आएंगे, आएंगे बिहारी, हाँ बिहारी। इसलिए राधा जी कृपा से ही श्री बिहारी की कृपा तभी मिलेगी जब श्री राधा की कृपा। इसलिए जो पहला जो श्लोक है कहते उन्होंने श्री राधा रानी की वंदना की है, इसलिए पहले कल हम सुनेंगे। और कौन सा श्लोक का भागवत में कहाँ कहाँ पर श्री राधा जी का नाम दी गई कल हम सुनेंगे। अभी हमारे प्रभु जी आपको वेणु गीत का जो एक श्लोक कल सुनाया था आपको, उसका आगे वो वेणु गीत का श्लोक सुनाया, अगर तुम लोगों को समय को सुना ठीक है, अगर 10 मिनट दे सकते हो और 10 मिनट बैठ जाओ उसके बाद में चले जाना, ठीक। देखो ये सब चीज़ को मिलेगी नहीं, हम तुमको ना चाहो ना पूरा भागवत भक्ता हम बना देंगे, बढ़िया बढ़िया इतना नोट बढ़िया सुंदर देंगे। जगत में तो बहुत कथा सुने होंगे, लेकिन तुमको इतने नए नए हमारे गोस्वामी का टीका देंगे, जिंदगी में कहीं मिलेगी नहीं सब चीज़, कहीं नहीं मिलेगी। तुम पूरा तुमको वक्ता बना देंगे पूरा भागवत का, कहीं भी जाओगे भागवत बता देंगे। बोलो सब एक बार हाथ में बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वम गुरु पार्वती परमानंद जन श्री शुभ भक्ति विनाम श्री गोसाई महाराज के चरण में सब कोटि दंड प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव सभी के चरणों में रहते हैं। मैं इसके बारे में बोल रहा था ना, ये अडोप्ट कंपनी में नौकरी करता था, पर 1 लाख से ज़्यादा इसका तनख्वाह थी, प्रभु 1 लाख से ज़्यादा तनख्वाह थी इसकी, लेकिन वो सब छोड़ करके भक्ति, अभी तो 2 लाख रुपया हो जाता, सब छोड़ करके भक्ति में ज्वाइन किया। बोले जगत में हम हरि भक्ति को प्रचार करेंगे, जगत में महाप्रभु की वाणी को जगत में प्रचार करेंगे, जगत में भगवान के भजन सबके सब करें। तो कल हम सुन रहे थे श्लोक के विषय में, अक्षण दाम फलमिदं न परम विदामः सख्यं पशुं अनुविमेष यतुर्वयस्य
वक्त्रं प्रजेष्ठतेयो अनुवेणं कृष्णं येरवाणी गीतं अनुरक्त कटाक्षं। जो मैडम गीत में गोपियां बोलती है, जैसे पहला श्लोक है, गोपियां कहती है कि आंखों की सार्थकता किसमें है, बताओ क्या बताया था, आंखों की सार्थकता किसमें है, ब्रज गोपी का कहना है कि कृष्ण बलराम जब गोचारण के लिए जाते हैं तो उस समय पर उनका इतना सुंदर स्वरूप है, कृष्ण ने पीताम्बर पहन रखा है, बलराम जी ने नीलाम्बर पहन रखा है, कृष्ण और बलराम दोनों के गले में सुंदर पुष्प की माला है और सिर पर पगड़ी मयूर पुच्छ धारण कर रखा है, कृष्ण के हाथ में वेणु है। तो कहते हैं ब्रजेश सुतयो, हम कल इसकी व्याख्या सुन रहे थे कि ब्रजेश सुतयो, उन्होंने ब्रजेश सुतयो द्विवचन का प्रयोग किया है, द्विवचन का प्रयोग करते हुए कृष्ण और बलराम दोनों के रूप माधुरी के बारे में बताया है। अभी हमने आने का एक कारण सुने थे किस प्रकार ब्रजेश्वरियों मतलब बलराम जी को नंद बाबा का पुत्र कहना ठीक है कि नहीं, सुना था हमने कि किस प्रकार हरिवंश पुराण के अंदर बतलाया है कि नंद बाबा अपने पुत्र कृष्ण को जिस प्रकार पालन किया है, जिस प्रकार स्नेह देते थे, उसी प्रकार बलराम जी को भी बड़े स्नेह से पालन किया, इसीलिए बलराम जी यशोदा और नंद बाबा को अपना माता पिता ही मानते हैं। और दूसरी बात हमने सुनी थी किस प्रकार वसुदेव महाराज ने भी इस चीज का अनुमोदन किया, कैसे, जब कृष्ण जन्म के बाद में नंद बाबा गए थे कंस के पास में टैक्स देने, तो उस समय पर जब जेल के अंदर कारागार के अंदर वसुदेव महाराज से मिले तो वसुदेव महाराज ने भी यही कह के कहा कि मेरा पुत्र बलराम आपको और यशोदा को माता पिता के रूप में दर्शन कर, तो उसका स्नेह जिस प्रकार कृष्ण का पालन करते हैं उसी प्रकार उसका पालन कीजिए। तो इसलिए मानव वसुदेव महाराज भी यहाँ पर अनुमोदन कर रहे हैं कि ब्रजेश सुतयो जो बलराम जी है वो नंद बाबा के ही पुत्र हैं। और विशेष करके हमने सुना था वक्रम ब्रजेश सुतयो अनुवेणुजुष्टम मतलब राम कृष्ण मध्य पश्चातवर्षिणी तस्य वेणुजुष्टम, मतलब गोचरण करते वक्त सबसे आगे जा रहे हैं कृष्ण के सारे गैया, सारे ग्वाल बालों की गैया, उसके बाद में चल रहे हैं सारे सखा और सखाओं के पीछे चल रहे हैं कृष्ण और बलराम और उसमें भी कृष्ण सबसे पीछे चल रहे हैं, है ना। तो कृष्ण ने क्या कर रखा है, उसने अंदर वेणु धारण कर रखी है। तो ब्रज गोपियों का क्या कहना है कि जिसने इस सुंदर रूप माधुरी का दर्शन किया है, जिसने कृष्ण को त्रिमंगल स्वरूप में वेणुनाद करते हुए दर्शन किया है, उनकी आंखें सार्थक है, अक्षणदाम फलमिदम, आंखों का सबसे सर्वश्रेष्ठ फल यही है और हम नहीं जानते ना परम पिता हम और नहीं जानते। अब देखो विशेष करके यहाँ पर बतलाते हैं कि कृष्ण की अनेक गोपियां हैं और सब गोपियों का अलग अलग भाव है कृष्ण के प्रति, लेकिन विशेष करके श्रीमती राधा रानी चंद्रावली ये कुछ गोपियां हैं जो कृष्ण से मिलने के लिए सब समय उत्कंठित रहती है। जैसे ही कृष्ण का वेणुनाद हुआ तो उस समय पर गोपियां तो सब अपने घर में थी, कृष्ण वेणुनाद कब कर रहे हैं, जब गोचरण के लिए गए थे, है ना। तो गोचरण के लिए जाते समय उस समय उन्होंने वेणुनाद किया, गोपियां सारी घर पर थी, लेकिन जैसे ही उनके कान में इस वेणु का मधुर शब्द गया उसी से ही उत्कंठित होके और कृष्ण मिलन की लालसा उनके हृदय में आई। तब यहाँ कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी चंद्रावली इत्यादि जो सखियां हैं वो सब समय कृष्ण से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, लेकिन श्रीमती राधा रानी की जो दूसरी सखियां हैं जैसे ललिता विशाखा चंद्रावत, ललिता विशाखा शिरुको मंजरी प्रति मंजरी, ये सारी जो उनकी सखियां मंजरियां हैं ये कभी कृष्ण से स्वतंत्र रूप में मिलना नहीं चाहती, कृष्ण से स्वतंत्र रूप में मिलना नहीं चाहती, इनकी उत्कंठा किसमें होती है, कहते हैं राधा कृष्ण का मिलन करवाने में। हम जो आरती गाते हैं जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती कर रहे ललिता की सखी गण, है ना। तो राधा कृष्ण का युगल मिलन जब होता है उसको देखकर ये सारी सखियां बड़ी आनंदित होती है, ललिता विशाखा शिरुको मंजरी रति मंजरी इत्यादि सखियां उसको देखकर बड़ी आनंदित होती है। तो राधा रानी क्या कह रही है, राधा रानी के हृदय का भाव तो ये है कि श्याम सुंदर का जब वेणुनाद करते हुए यदि किसी ने दर्शन कर लिया तो उनकी जो भी भूख उनकी माँ से बड़े अनुरक्त कटाक्ष मोक्षण, बड़ी स्नेह भरी आंखों से अपने प्रियजनों के प्रति दृष्टिपात कर रहे हैं, तो उनका दर्शन यदि किसी ने किया तो उनकी आंखें सार्थक है। लेकिन जो ये मंजरियां हैं इन मंजरियां इनके लिए हमको श्लोक का अन्वय अर्थ लेना पड़ेगा। क्या कहती है, ब्रजेश सुतयो, ब्रजेश सुतयो मतलब ब्रजेश सुत, ब्रजेश सुत कौन, श्री कृष्णचंद्र, और ब्रजेश सुता कौन, श्रीमती राधा रानी, ब्रजेश सुता ब्रजेश अर्थात कृष्णानु महाराज की जो पुत्री है ब्रजेश सुता श्रीमती राधा रानी।
तो कहते हैं रजे श्रुतियों अर्थात श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी इन युगल दर्शन यदि किसी ने कर लिया, ये युगल दर्शन यदि किसी ने किया है तो उनकी आंखें सार्थक है। अक्षुणताम फलमिदम, आंखों का सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि श्रीमती राधा रानी और श्री श्याम सुंदर जब एक साथ में हो और वेणु परिचुंबित होकर दोनों आंख पर वेणुनाद कर रहे हो, तो उस समय पर यदि किसी ने इसका दर्शन किया है तो उनकी आंखें दान करना सार्थक है, यही आंखों का सबसे सर्वश्रेष्ठ फल है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी और ब्रज गोपियों का हृदयगत भाव ये है कि केवल मात्र कृष्ण ही ब्रजे श्रुतियों का अर्थ हुआ है यहाँ पर श्रीमती राधा रानी और कृष्णचंद्र। और इसके आगे जब ये बात उन्होंने वर्णन कर दी तो उसमें कहते हैं कि कहना नहीं चाह रहे थे, अपने हृदय के भाव को गोपियां व्यक्त नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन तब पर भी जब कहा अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम वेणु चुष्टम, श्रीमती राधा रानी और ब्रज गोपियों के हृदय के भाव प्रकट हो गए, तब फिर वापस उसको छुपाते हुए दूसरा श्लोक उच्चारण करती है। चूत प्रवाल वरस्तवक उत्पलाज मालानुकृत परिधान विचित्र वेशो रंगे यथा नटवरो क्वच गायमान। इस श्लोक के अंदर कहती है कृष्ण बलराम जब गौचारण के लिए जाते हैं ना तो उस समय पर उनका क्या श्रृंगार है, कहती है नए नए आम के पत्ते जो होते हैं पल्लव उनके द्वारा मयूर लेकर सारे उत्पल से सुंदर सुंदर उत्पल बना के उन्होंने अपने केश को सुसज्जित कर रखा है। कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और उन्होंने पीतांबर पहन रखा है, बलराम जी श्वेत वर्ण के हैं और उन्होंने नीलांबर पहन रखा है, और दोनों के गले में रंग बिरंगे पुष्पों की बड़ी सुंदर सुंदर माला है। यथा नटवरो क्वच गायमान, कहते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि मानो दो बहुत ही सुंदर नट रंगमंच के ऊपर अभी नाट दिखाने के लिए जा रहे हैं। देखा है ना रंगमंच के ऊपर किस प्रकार नाटक जो कठपुतली नृत्य होता है, बड़े सुंदर सुंदर चमकीले चमकीले कलरफुल बड़े रंग बिरंगे वस्त्र पहन के और वहां पर नाट्य दिखाते हैं, तो उसी प्रकार कृष्ण बलराम जब गौचारण के लिए जा रहे हैं इतना सुंदर उनका परिवेश है, इतना सुंदर उनका श्रृंगार है जिसको देखकर लगता है बड़े दो कुशल नट वहां पर रंगमंच के ऊपर प्रस्तुत है, और कृष्ण बलराम क्या करते हैं बीच में खड़े हो जाते हैं, सारे सखा उनको घेर लेते हैं, और सारे सखा जब घेर लेते हैं कृष्ण क्या करते हैं गान करते हैं, कृष्ण गीत गाते हैं बलराम जी वहां पर नृत्य करते हैं, कभी बलराम जी गीत गाते हैं और कृष्ण नृत्य करते हैं, कभी दोनों गान करते करते आपस में नृत्य करते हैं, और जिसको देखकर सारे सखा ताली बजाने लग जाते हैं, साधु 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 कहकर वहां पर विराजमान रहते हैं। कभी कभी कृष्ण बलराम दोनों इतने अभिमान पूर्वक ऐसा नृत्य करते हैं, नृत्य करते अपने सखाओं को बोलते हैं क्या तुम ऐसा कर सकते हो, कर सकते हो तो दिखाओ, इस तरह से बड़े अभिमान करते हुए और बड़े गर्व से कभी कृष्ण बलराम जब नृत्य करते हैं तो उनका रूप शब्दों द्वारा वर्णन नहीं कर सकते, इतना सुंदर स्वरूप होता है। ब्रजगोपियां कहती हैं कि इसको शब्दों द्वारा वर्णन करना असंभव है, इसीलिए मन ही मन भावना करती हैं कि यदि हम ग्वाल बाल हो जाती, यदि हम गोपी घर में जन्म ना लेंगे और हम ग्वाल बाल हो जाती तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता। क्यों? क्योंकि ग्वाल बाल तो सब समय कृष्ण के साथ में रहते हैं, चाहे घर में हो चाहे गौचारण के लिए बाहर जाए, सब समय कृष्ण के साथ में रहते हैं, कभी उनके साथ में क्रीड़ा करते हैं, कभी उनके साथ में भोजन करते हैं, कभी उनके साथ में गैया चराते हैं, तो इसीलिए हमारा जीवन तो सार्थक तभी होता जब हम ब्रज में गोपी जन्म ना लेकर एक गोप बन जाती, हम ग्वाल बाल बन जाती तो कृष्ण का सब समय संग प्राप्त हो जाता। ठीक है, इसके आगे फिर हम कल श्रवण करेंगे। गौ प्रमाणे क्या तुमने तो श्लोक याद किया है? आजा। ये एक बच्चा को श्लोक याद किया हमने, आजा। ठीक है, अलीगढ़ से है डॉक्टर ऋषभ, डॉक्टर ऋषभ शास्त्र व्यस्त रहे व्यास मामस्य मम परमात्मा।
बोलो बोलो साढ़े आठ से नौ तक तो उर्दे आरती होता है, साढ़े आठ से नौ तो इनका आरती होता है, श्रृंगार आरती साढ़े आठ से नौ।